हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आए हुए हैं गांव पे, और गांव में आए हुए हमको 4 या 5 दिन हो गए हैं, और यहाँ मैं अपने मायके से होते हुए आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ना आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, जिसपे हमने बहुत सारी मेहनत करी है। यहाँ पे शादी हो रही है, गाना वाना चल रहा है, तो हो सकता है मेरी वॉइस अच्छे से ना आए, लेकिन मैं आप सबको जो चीज़ दिखाना चाह रही हूँ ना, वो दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं प्याज लगाई थी ना, वो बहुत अच्छे से हो गई है, मतलब और होगा नहीं, वो अभी सड़ने के जगह पे आ गई है, सड़ने के लक्षण में आ गई है, सड़ने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि ना उस ऐसे सूख गई है, उसमें ना तो पानी पड़ रहे हैं और ना ही देखो घास कितने सारे वहाँ पे उगाए हैं। तो कोई मेहनत नहीं करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, हमारे पास खुद टाइम नहीं है और इतनी धूप में कौन करेगा, है ना। तो हमने सोचा कि जितना भी होगा होगा, तो अभी मैं सबको निकालने वाली हूँ इस टब में। तो चलिए, और इन्होंने एक निकाल के दिखा भी दिया है, देख सकते हैं। छोटी छोटी थी, आप सबको पता ही होगा मैं कितनी छोटी छोटी सी लगाई थी, तो इतना ग्रो हो चुका है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो चलो, खाने लायक तो हुआ हमारी मेहनत, कुछ तो रंग लाई। तो चलो, सबको निकाल के बताती हूँ आपको कितना निकला है। ओके, क्या होता ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो अनियन हुआ था, उसको हम लोगों ने कुछ ज़्यादा केयर नहीं करा था उसके लिए। क्योंकि हमारे पास ना तो टाइम था, और ठंडी दिनों में जितना भी किया था सबने, लोग घर वालों ने पानी वानी छिड़क दिया था, यहाँ की घास की सफाई कर दी थी, लेकिन अभी देख सकते हैं कौन सा प्याज है कौन सा घास है, समझ ही नहीं आ रहा है। सब एक साथ बड़े बड़े हो गए हैं। बल्कि अनियन छिप गया था इन सब ग्रासों के बीच में, तो फिर भी हमारा अनियन जितना भी ग्रो हुआ है, देख सकते हैं छोटा छोटा ही हुआ है खाने लायक। जैसे हम खाना में यूज़ करते हैं ना, कट कट करके खाते हैं, तो उतने ही छोटी छोटी साइज़ का हुआ है, उतना बड़ा नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा बड़ा करना था तो हमको थोड़ा गेप गेप में डालना था, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम करी थी, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि कैसे लगाते हैं इसको, तो बहुत पास पास में कर दिए थे, जिससे अनियन ग्रो हुआ ही नहीं, ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी लगाएंगे ना, अब आइडिया हो चुका है कि इसको थोड़ा गेप गेप में करते हैं दूरी में, ताकि उसका ग्रो हो सके, है ना। इतनी मेहनत के बाद, इतनी कम केयर के बाद भी इतना हो चुका है, तो यही बड़ी बात है, और इसी को देखकर हमको बहुत खुशी हो रही थी। तो मैंने सबको नहीं निकाला, आधा को निकाला है। जैसे कोई किसी के पत्ते ना अभी भी ग्रीन ग्रीन लग रहे थे, तो उनको हमने छोड़ दिया, और जो सूख गए थे ना, तो उनको ही मैंने निकाले। और क्या था कि उसको कोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उखाड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें ना ऑलरेडी ऐसे दिख रहा था अनियन बाहर आ चुके थे। तो जो अनियन बाहर आ चुके थे ना, उन्हीं अनियन को मैंने निकाले हैं, बाकी और भी है यहाँ पर, उसको घर वाले बाद में निकालेंगे। जितना निकला है उतना तो काफ़ी है, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग लाई। खाने लायक हो गया, यही बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत खुशी हुई, आप सबको ये सब देख के कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा ना आप लोग। अरे क्या ही फ़र्क पड़ता है जी, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग को कमेंट करना ही चाहिए, और लाइक भी तो बनता है ना फ्रेंड्स, इतनी मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है, तो लाइक भी कर दिया कीजिए प्लीज़। और चलिए, वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। अनियन निकला हुआ है यहाँ से, और इसको हम अपने साथ में लेके जाने वाले हैं। तो ये हुआ मेरी मेहनत, मुझे ये सब देख के ना बहुत खुशी हो रही है। आप सबको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो पे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, बाय। बूंदी ले 5 रुपये किलो।